So, in this question we are given which of the following is electron deficient, और ये रहे हमारे ऑप्शंस, हमें बोलना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है स्पेसिस, वो क्या होता है, उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, उनके ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, राइट, उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, दैट इज देयर आर नॉट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पहले हमारा जो ऑप्शन है वो है CH3 2, देन वी हैव, वी कैन राइट इट एज C2H6, फिर वी हैव C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे H H एंड H है, और यहाँ पे भी H H एंड H है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, देन हियर आल्सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर हमारा आता है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है SiH3 2, इसको हम लिख सकते हैं Si2H6। ओके, तो यहाँ पे है Si एंड हियर वी हैव Si, देन H H एंड H, देन अगेन वी हैव H H एंड H, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर हमारा आता है ऑप्शन 3, दैट इज BH3 होल 2, तो इसको हम लिख सकते हैं B2H6। तो यहाँ पे क्या होता होता है, यहाँ पे B बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, तो हियर वी हैव H H, देन अगेन हियर वी हैव H एंड H, और यहाँ पे क्या होता है, एक बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है, एक बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिमिलरली यहाँ पे बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये क्या होता है, ये 1 2 एंड 3, 3 सेंटर स्पेसेस और 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ओके, और लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन में वी हैव PH3, वी हैव PH3, तो यहाँ पे फॉस्फोरस के 1 2 एंड 3, वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, दो लोन पेयर्स रहेगा, राइट, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस है। तो जो ऑप्शन गलत, जो ऑप्शन हमारा सही है वो है BH3 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, राइट, दैट इज BH3 2 विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।